पाते कल हैं दिन, हम कल जाते कल दिन हैं। है कि नहीं? हाँ नहीं आएगा उससे फर्क कोई नहीं, अब पढ़ना आना चाहिए यार। देखो क्या हुआ पता नहीं, लेकिन इतना जो हुआ ना इतना भी बहुत है अपने लिए। अब इसके अंदर सिर्फ थोड़े से इन्वेस्टमेंट कंपनीज आएंगी ना, थोड़ा बेरोजगारी हटेंगे यार। तेरी आईडी पे ये जो बोल रहा ना फेक आईडी, उसकी फेक आईडी दिख रही मेरे को। कौन है बताओ? फेक आईडी भाई, अरे वो किसकी चाय फेक वाली नहीं आईडी? होंगी चाय? हाँ अच्छा होगी भाई, फेक भाई, होगी, किसको शौक है रियल भाई होगी, आई बनने डोंट नो, का? कमेंट कर आज रहे। तरबूज खाते नहीं अरे बैठे? अपने पास, अपने अरे पास औरंगाबाद की बहुत हाय बड़ी रश, हस्ती है ये लाइफ में। अपने पास, बहुत बाप रे बड़ी हस्ती है बाप ये अपने पास रश्मि, लाइफ देखने। कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत बड़ी लाइफ में। वो हस्ती का बस्ती ब्रो, हस्ती की बस्ती ब्रो है वो। नहीं किधर है अभी? आसमान में होंगे ना कहीं, फ्लाई कर रहे होंगे, उड़ रहे लोग। उड़ रहे। बस तुम ड्रोन उड़ा रहे हो, फ्लाइट वालेकुम उड़ा रहे हो, अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। क्या 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 बोलते चल रहा भाई? है भैया यार? नाम का क्या हुआ? नाम अभी झूले, अभी झूलन डालेंगे, झूलन डालेंगे फिर थैंक देखेंगे, यू सर। देखो क्या नाम बोलते हैं गर्म मालूम क्या? नाम करेंगे। को लेके, नाम कोई भी हो, काम होना चाहिए। कोई भी जाओ कोई भी तुम चलेगा घर पे। नहीं, तुम मेरे को सुनो मेरी बात, मेरा नहीं कोई नहीं गड्ढे कर डिप्लोमेटिक दो, रहना पड़ता दस ना, दिन में बात करते पानी एक वक्त बार भी आज तो चले ऐसा रहता कचरा हूँ, कर क्या दो, देखिए डिप्लोमेटिकली बात नाम तो करना ये पड़ता जाना है। हूं। नहीं हम नहीं नहीं तो करेंगे भाई भाई, देखो चीजें सौ मैं क्या बोल रहा, दोनों अब तरफा। ऐसी बात है कि तुम कुछ भी करो हमको ये होना, इतना ही तुमको था तो खड़की ठीक नहीं था फिर। बस हाँ वो बहुत नाम है, मैं वो देखा वीडियो, डिप्लोमेटिक की चार पांच नाम देखो, बदलते बदलते डिप्लोमेटिक औरंगाबाद हुआ हुआ है। सुनो पाव भाजी नगर मेरी बात, डिप्लोमेटिक की तुम बात कर रहे ना, डिप्लोमेटिक की तुम बात कर रहे ना, तुम दुबई जाने वाले भाई, हम यहाँ पैदा हुए थे, यहाँ रहेंगे और यहीं मरेंगे, तो हम नहीं जो बोलो, बोलते थे वही बात होनी है, बोलेंगे। बात कैसी है मालूम क्या? उसके अंदर अलग मैटर हो जा रहा, उसमें उसमें क्या हो जा रहा, रेहान भाई शुक्रिया, एक रेहान फिसाद भाई। फैल रहा है एक किस्म का उसके अंदर। वो तो होगा है ना, देखो मुद्दा भी, देखो पॉलिटिक्स जो है ना उसके लिए खेली जा रही कि फसाद फैले, वो अभी चाहते ही है कि फसाद हो, हाँ क्योंकि वोट बैंक डिवाइड में इलेक्शन आ रहे भाई नजदीक, अगले इलेक्शन साल आ इलेक्शन रहे हैं की तैयारी है ये, उसके लिए तो मुद्दा उठाया गया। भाई। यार क्या अच्छा है एक ये, सवाल मैं यहाँ पे पूछता, एक पैसे सवाल मिलेंगे ना पूछता क्या? हूँ पैसे तुम मिलेंगे में क्या से, शायद सर? कोई जवाब दे दे इसका। तो 2016 में, 2016 में एक 3,600 करोड़ रुपए सेंक्शन किए गए थे समंदर में एक स्टैचू बनाने के लिए, क्यों नहीं हाँ बना आज तक? हाँ इतनी मोहब्बत है तो बनाओ ना, फिर 3,600 करोड़ गए कहाँ? बराबर बोल वो रहा हूँ, कहाँ मालूम मेरे गए? को मालूम। शिवाजी महाराज का जो पुतला बनने वाला था, तला समंदर के अंदर, 2016 में सेंक्शन किया था, 3,600 करोड़ पैसे, इतनी बड़ी अमाउंट कहाँ गई? ये सवाल उठाओ ना, तुमको इतनी मोहब्बत है ना, तो फिर ये सवाल उठाओ गवर्नमेंट से। नाम को क्या करते, चाटते नाम को, नाम से क्या हम पैसे गए ना, 3,600 करोड़ तुम्हारे जेब से गए, वो तुम्हारे हमारे जेब से गए, टैक्स भरते ना तुम लोग हम लोग, हमारे जेब से गए पैसे वो, और कहाँ गए? कौन से पॉलिटिशियन के जेब में गए? ये 50 करोड़ में जो पॉलिटिशियन सब खरीदे खा गए के ना, ये बैठ गए ऐसे ब्रो। खरीदे भाई जाते फिर, समझते हैं? सॉन्ग की आवाज आ रही तुम लोग को? सॉन्ग जाने तो छोड़ो, बहुत ज्यादा की आवाज आ रही क्या सभी को? नॉर्मल नहीं है। नॉर्मल नहीं भाई सॉन्ग क्यों, थोड़ा नॉलेज रखा करो लोगों को, बोलना थोड़ा, ट्विटर पे भी दिन बिताया करो, ट्विटर पे तो ये असली नॉलेज नानखली मिलता वाले है। क्या बोल रहे? देखो ना, सिर्फ नाम की मोहब्बत है उनको, काम काम नहीं अरे करते। नान नहीं भाई, नाम वो नाम नाम, भाई तुमको नान खेले दिख रहा सब जगह। अरे अरे मैं 6 महीने से आया, वो एक ने भी दावत नहीं दिया। कल कल तो कल ये बिना दावत की कटकड़ी लेंगे करके देखो, अपन, शादी कल करके बिना ना दावत घुस की जाओ लेंगे कहीं, खुशबू आंधो की बिन दर्द दावती घुस जाओ इम्पीरियल लॉन्च में, देखो से। शादी के डायरेक्ट दिन जाने में नहीं आया, वो चले थ्री जाओ। इडियट से वाला काम नहीं करते ना बॉस। अपन साइंस की तरफ से और ये भी करना लाइफ में, इसका भी एक्सपीरियंस होना, बिन दावती कहते बोल के क्या हुआ था, नहीं थोड़ा एडवेंचरस बनो यार लाइफ में, थोड़ा नहीं 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 एडवेंचर बहुत करा करो बहुत लोग थोड़ा। हैं अभी, 25-26 लोग देख रहे। एक तो किसी के रिश्तेदारी में शादी होंगी तो बुला लो भाई, बुला उसे लेना बोल रहे भाई, हम बुला लो। तरस खा के बुला लो। गाइस डिस्कस अबाउट कट 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 गेट के इश्यूज, टिश्यू गाइस भाई, डिस्कस अबाउट कट कट वो गेट चीज इश्यूज। का एक तो पहली बात तो नॉलेज नहीं है, जो चीज पे नॉलेज नहीं है तो वो चीज पे बात करने का कोई फायदा नहीं है, पूरी तरीके से नॉलेज नहीं है उसमें तो उसपे अपन नहीं बोल सकते कुछ।
बोल सकता हूँ उस बारे में, मैं घुस चुका उसके, मैं बोल सकता हूँ उस बारे में, मैं घुस चुका उसके अंदर, वो जो जगह थी वहां अरे रुको रुको रुको, वो वो जब्बार भाई का पार्टीशन के खलिया होने टाइम का पे पूछ जो रहा हूँ ना, रुको जरा। पाकिस्तान चले गए, हाँ भाई वही क्यों ना, इसका वही क्यों पुलिस ना, वही वाला क्यों था ना। जब्बार, उसका चलेगा वो भी चलेगा। वो पहली सफ में बोले भाई टीम हाँ, के, पहली सफ में हाँ साफ बोटियां, ऊपर का शोरबा बोले एकदम। हाँ, डंडे डंडे रेडी रखते हो, हमारे गरम जब देते बोले गरम राजीव रोटियां निकल रहे भाई देख उसमें से, भट्टी में से। भूख लग रही है यार फिर मेरे को। सही में भूख मेरे लगा रहे यार तुम बोल के ऐसा। को खुद लग रही, भाई देखो कितने बेशरम लोग हैं, सुनने के बाद भी कोई दावत नहीं दे रहा। देखो काशिप भाई भी लव औरंगाबाद कर रहे, इतने शादियों में जा रहे, काशिप भाई बुला रहे नहीं एक जगह बुला ठहरने रहे पे। भाई नहीं ना, आज भी शादी में गए हुए थे वो। काशिप भाई तुम्हारा तुम्हारा लाइट कैमरा पकड़ के चलेंगे साथ में, अरे वो वेज नानगलिया वाली, तुम्हारा वेज लाइट नानगलिया वाली वाइट शादी में कैमरा जाते वैमरा वो। पकड़ के चलेंगे काशिप भाई। पकड़ लेंगे हम, थोड़ा तुम्हारे लिए सपोर्ट कर देंगे, वेज दो एक नानगलिया आधे वंता उनकी घंटे के लिए शादियों में। कैमरा पकड़ लेंगे हम तुम्हारा। भाई बताओ बताओ कंटिन्यू, भैया मतलब कटकटी गेट बताओ। इशू। अच्छा कटकटी गेट इशू है कि मेरा ये बोलना है कि गवर्नमेंट ने वहां के घर वालों को पैसे देना तोड़ रही नहीं, है। जाहिर सी बात है, अगर किस वहां पे अगर आप किसी की पोजीशन रिप्लेस करें ना, तो उसको कुछ देना चाहिए ना रहने के लिए, जाएगा कहाँ काशिक उन्हें। भाई तुम्हारे घर में शादी है बोलते, मेरे घर में नहीं है, रिलेटिव के वहां है और नान यहाँ नहीं है, कहीं और है। गलियारा वहां नान गलिया भी मांडे, बनता, मन मांडे औरंगाबाद भी भी चलते हैं बनता उनको नान गलिया, मांडे। दूसरी जगह भी नान गलिया। नान गलिया होना तो वही नहीं, तो बोल मेरे रहा को था मैं, तो मांडे बुला चलते लेता सब तुमको, चलता है, यहाँ होते इंडिया का तो कुछ बुला भी लेता चलता मैं। अपने को। भाई तुम ना क्या बोल लेंगे बोलेंगे भाई, बुला लेंगे उसको, तो। एकदम अपोजिट भाई मिराज भाई, तुम दुबई में शादी नहीं है, तुम नहीं आ पाएंगे वहां, मैं जा रहा हूँ वहां मैं पे। G20 के लोगों को जब्बार उस्ताद का खलिया खिला देंगे, क्या बोलते हैं। पार्सल कर दो उनको, एक ही जगह ऐसे बांध के हो। उनको मालूम, यहाँ से US को लेके जाते लोग नान, नान लेके आते डब्बे में पैक करके, और मसाला लेके खली का। भाई माफी चाहता इतना लेट आपको, अरे भाई माफी का क्या है उसमें, तो फिलहाल शुक्रिया अपन शुक्रिया। मेरे को एक चीज बताओ, मतलब एक क्वेश्चन है बाकी जो लोग लाइव देख रहे हैं उनसे भी और आप दोनों से भी, मेरे को ऐसे 5 औरंगाबाद के कुछ खाने की चीजें बताओ जिसमें मतलब रेस्टोरेंट के साथ में खाने भी और रेस्टोरेंट भी, 5 जो औरंगाबाद में अगर कोई आया तो उसने वो चीज खाना चाहिए जो चीज मतलब उसको स्पेशल औरंगाबाद की, वैसा 5 चीजें बताओ। हाँ औरंगाबाद मतलब वाली औरंगाबाद वाली वाइब वाइब आना आना चाहिए चाहिए, उसको। 5 चीजें। देखो यार, एक तो नान गलिया गायत्री है चाट भंडार टॉप की कचौरी, नंबर वन पे, गायत्री सेकंड पे चाट कबाब, भंडार, 1 मिनट कबाब 1 मिनट, उत्तम कबाब भंडार की इमरती। कबाब बिस्मिल्ला हाँ की कबाब, उत्तम भंडार की इमरती। टिकिया पाव भाई, टिकिया पाव कहाँ का, कहाँ का वो भी बताओ, जो नीचे भी कमेंट चंपा में चौक डाल का रहे हो टिकिया कहाँ का वो पाव, भी बताओ, क्योंकि चंपा चौक मैंने का टिकिया जैसा बोला मैं एक पाव। वीडियो बना रहा, तो वो मैं मेरे हिसाब से वीडियो नहीं बना रहा, वो मैं लोग के हिसाब से लोगों के सजेशन लेकर बना रहा। चंपा वही वही के बोला वो था मैंने जो अभी डीएम चंपा चौक में का क्या, हाँ कचोरी डोसा बाबा पेट्रोल पंप के पास में, ब्रिज के पास वो, देखो अन्ना के लाइन में है ना, वाला, मूंग दाल के पकोड़े, भजिए, मूंग के भजिए अन्ना का वो डोसा बेचते, भी ठीक है मेरे हिसाब से, बस बस आजाद समोसे, कॉलेज के आजाद के कैंटीन के समोसे समोसे, कैंटीन के डबल। समोसे नहीं डबल बोलते हैं उसको, डबल हाँ डबल, डबल। और भोज, भोज कैसा है अभी, भोज भोज बेस्ट है एकदम, एकदम जबरदस्त है। नहीं अरे नहीं इधर का बहुत अच्छा यार है, भोज, सिडको वाला। देखो SNT की तहरी भी आई है, SNT की तहरी भी आई है, और थोड़ा ये इधर सा मतलब वो साइड में भी ये होना अपने को, तो निराला में एक बहुत फेमस पूरा है मियां डोसे भाई वाला, ला ले रहे, ये तो पूरा मियां अपना भाई ला रहे, बोला वो साइड का सिद्धार्थ भी रख दो। गार्डन के बाजू में भी उसने एक ब्रांच खोला नहीं डोसे की। साबूदाना तुम वड़ा, तुम जो भी बोल रहे साबूदाना वड़ा या दादा डोसा, औरंगपुरे का बोल रहे क्या दादा डोसा का भाई, भाई भाई सुनो, अरे इसके एक भजिए, ये जो मिनट रुको डोसा एक भजिए मिनट रुको क्रांति एक चौक मिनट के एक आगे, मिनट, खलिया क्या नाम है उनके, भजिए वाला, गायत्री की कचौरी, अरेबियन परवान शोरमा बेड़वा पास का, का, अरेबियन अच्छा शोरमा बेड़वा, आजाद का डबल, परवाने का पाया, आजाद का डबल, परवा
परवाना का पाया नहीं भाई, शमा का पाया। काशिप भाई तुम ये लाइव रिकॉर्ड कर रहे ना, रोशन गेट की कंटक की भी लिख दियो ना, रोशन रोशन होटल की कंटक भाई, पाए शागंज का भी पाया अच्छा नहीं, दिल्ली के रमजान में सब जगह के पाए। नहीं मैंने अभी परसों खाया था, एकदम बकवास है, यूजलेस एकदम। और मदनी चौक का भी, मदनी चौक का भी नहीं है, अच्छे लगे थे यार मैंने, अच्छा लगा था वो, था एकदम अनएक्सपेक्टेड प्लेस का जो था एसएनटी का ना, एसएनटी का, एसएनटी सबसे बेस्ट क्वांटिटी भी, मतलब में पाए मिलते रमजान में, तुम चार लोग खा सकते तो अच्छी पाए से याद आई जाएंगे सुबह सुबह सब मिलकर। एक और चीज, एक और चीज, चिकल चिकल ठाणे की जुनैद रेस्टोरेंट की बिरयानी। हाँ ये कीस होटल ना, कीस होटल, कीस होटल के पास में कोई भजिया वाले, मैंने भी वही बोला, उस्मान भाई भजिया वाले, हाँ उस्मान भाई भजिया वाले, वो ऑलरेडी उस्मान है मेरे पास भाई भजिया वाले, चाय और जुनैद की बिरयानी नहीं भाई, अन्ना का रावत का तवा मशहूर भी होना चाहिए थोड़ा सा। तुमको ये अन्ना है ना, अन्ना जुनैद का तले हुआ का गोश्त, अन्ना अंडरग्राउंड में डोसा, डोसा अन्ना का डोसा, हाँ और एक दादा डोसा भी बहुत फेमस है, अभी वो सिद्धार्थ गार्डन में भी उसकी एक ब्रांच खुली बाहर के शॉप्स में से, बेस्ट एकदम प्रीमियम क्वालिटी का है। और तुबा होटल का गोश, तुबा होटल का गोश सबका नाम दाल भाई, बिरयानी नहीं भाई, तलावा गोश बहुत फेमस है उसका, अच्छे मिलते पाए होटल से तलावा गोश। और वैसे बताइए अभी नवे नवे जो लाइफ पे मतलब आए हैं, तो एक पांच चीजें, पांच औरंगाबाद के खाने सजेस्ट करना, जो कोई अगर बाहर से आपके पास मेहमान आए तो आप, या कोई भी किसी को भी आप सजेस्ट करोगे कि औरंगाबाद में आएंगे तो ये खाकर जाना, तो ऐसे पांच चीजें सजेस्ट करो। खुल्दाबाद का भी खलिया बहुत अच्छा है, वो जो इस्तांबुल की कॉफी वाली मस्जिद बनी ना भाई, कैंटीन के अंदर के जाने का रुको 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 बताओ, अगर टूरिस्ट आता है तो टूरिस्ट को इजीली टूरिस्ट को जाने के लिए वैसे जगह बताओ। साकिब सलामी का क्वेश्चन है, खट्टी दाल तले हुआ गोश्त कहाँ मिलेगा? जशन रेस्टोरेंट फाइन डाइन पे बेस्ट है, एकदम बेस्ट मिलेगा, बेस्ट। और मगज तो बेस्ट, बहुत बेस्ट से भी ज्यादा बेस्ट है। ये तवक्कल के भी टिकिया पाव बहुत अच्छी मिलती थी एक टाइम पे, अभी का बीएमसी बैंक की भी बाजू अच्छी मिलती है ना टिकिया पाव बहुत। अरे भाई लवली का जूस, लवली का जूस, लक्की जूस सेंटर में, जूस बुड्डी लैंड में लवली का पाइन एपल जूस पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं मिलेगा वैसा जूस। इसका नेट खत्म हुआ है क्या? नहीं तुम तुम्हारे बात कर रहे तो क्या बोल, तुम तो तुम्हारी बात कर रहे तो क्या बोल रहा है, क्या है बोल बा, हम पढ़ रहे बोल बा, ये क्या है भोजपुरी बोल रहे क्या ना, क्या क्या कौन तो तुम, ये ऊपर ये कबीर अहमद, मेरे पास नहीं दिख रहा कमेंट, ये कौन बोल रहा है भाई? पराका टर्किश भी बेस्ट है, लबदो, लबदो वो आम खास के पास वाले लबदो क्या? हम्म, वही बोल रहा हूँ आम खास के पास, हाँ वो भी बेस्ट है, वही वही आम खास के पास के लबदो ब्लैक, वो भी सजेस्ट कर सकते हैं पिंक पॉइंट गोल्ड। तो मेरे को ना अभी अपन इतने सारे नहीं डाल सकते, तो अभी इतने सारे सुन लिए तो खलिया है, दूसरा गायत्री चाट भंडार की कचोरी है, तीसरा आजाद के समोसे है, चौथा तीसरा बिरयानी है ऑथेंटिक जो अपनी खुद की औरंगाबाद की, बिरयानी कहाँ की, जुनैद की बहुत जगह मिलती, बिरयानी जुनैद की अच्छी मिलेगी, बिरयानी सिल्वर स्पून, सिल्वर स्पून, अरे पुलाव बोल के देते भाई, वो चिकन के टुकड़े था बिरयानी सिल्वर स्पून, नहीं भोज की थाली, बिरयानी खाओ एक बार भाई, भोज की चौथा भोज की थाली, और भोज के पान भाई के भजिए, और तारा का पान, तारा का पान एक क्वेश्चन था, और उत्तम भंडार की इमरती, तारा का पान के पुस्तक नहीं लिख लो, बोल रहे थे दो माइनस प्लस में कंसीडर करके चलना पड़ता टॉलरेंस, आप लोगों से इन्फ्लुएंसर नहीं मिलेंगे यार, ये भी बहुत सही है, बिस्मिल्लाह का चाप होता है अहमदाबाद में, बिस्मिल्लाह की बिस्मिल्लाह होता है चाप, और ये तुम्हारा महाराष्ट्र स्वीट्स की जो इंदौरी जलेबी है ब्लैक कलर वाली भाई, मैं क्या बोलूं, मस्जिद के बाद
सुनो ना, थोड़े से खाने के टॉपिक से आगे जाते हैं तो भूख लग रही है हमें। यार भूख लगा दी तुमने। अहमदाबाद का खाना बहुत अच्छा है, नो डाउट। अहमदाबाद में मतलब मैंने, अरे अरे बस मुझे अहमदाबाद जाना है तो थोड़ा सजेस्ट करो अहमदाबाद। अहमदाबाद संडे को यहाँ से डायरेक्ट ट्रेन, औरंगाबाद से डायरेक्ट बसेस भी है तुमको, ट्रेन है अहमदाबाद से, ट्रेन बस बहुत लंबा हो जाएगा यार। ये बस भी है, बस बहुत लंबा। संडे के दिन स्पेशल ट्रेन चलती अहमदाबाद के लिए। हाँ मैं उससे ही गया था भाई। अगर वो छत्रपति संभाजी नगर बोले तो उनके पूरे बैनर फट जाएंगे, लोग खुद ही फाड़ देंगे बोलने की जरूरत नहीं। वो अपन वो रॉकस्टार मूवी का नहीं, कॉलर पकड़ के फेंकते बाहर ले आएंगे तो उसपे वीडियो बना देना सीधा। क्या हुआ भाई, क्यों ऐसा कर रहे भाई? भाई औरंगाबाद में आके संभाजी नगर मुझे बोलना। आरसी बंद हो गया भाई, और भाई आज जहाँ खाया आरसी बंद हो गया। और अभी गजीबो का कैसा टेस्ट? गजीबो की मेरे को मालूम है मंदी उसकी, गजीबो से अच्छी मंदी है ना इसकी। अपन व्यूअर से सजेशन, व्यूअर से सजेशन लेते ना अपन। चाय कहाँ की बेस्ट है पूछा गया तो मैं मेरा बोलता पहले, चाय कहाँ की बेस्ट है फिर तुम लोग बोलना, ठीक है? एक मोने में सलीम टी, दूसरा बरकत, तीसरा बुड्ढी लाइन में पाशा, चौथा कटकड़ी गेट पे गोल्डन वो टी है, सिटी होटल है बोलकर वहां पर, ये चार। और एक वो आजाद कॉलेज के सामने यू लाइक वही है। बट फर्स्ट प्रेफरेंस सलीम मोंडा, दूसरा अपन तो बरकत को देंगे। जूस, लकी जूस सेंटर का। तुमने क्या बोले ट्रेन का नाम क्या? वो ट्रेन थोड़ा देख के बताता हूँ। मैं गया था, बहुत जबरदस्त, एकदम नेक्स्ट लेवल एक्सपीरियंस रहता है। और डिफरेंट काइंड ऑफ माउंटेन्स तुमको देखने को मिलेंगे, थम माउंटेन भी मिलता तुम्हारे को उसके अंदर देखने के लिए। वो तो तुमको थम इधर से दिखता है, तुम मुंबई नहीं गए कभी? नहीं, मुंबई फ्लाइट से गया ना तो इसलिए नहीं मालूम। दुबई वाले लोग है ना भाई, हमारे पास क्या औरंगाबाद का पैसा, इंडिया का पैसा है उधर क्या दिराम, अरे पैसा है भाई, पैसा वाले लोग ऐसे बोलेंगे आई के नहीं सब दिराम वाले लोग है। जो तुमने जो पूछा औरंगाबाद वाले फैक्ट बोले अपने, फैक्ट मीटअप कब रखे आप लोग? हो गई मीटअप दो तीन बार हो गई, हम लोग नहीं रखते भाई, हम लोग नहीं रखते। हमारे एक आमिर भाई है वो मीटअप रखते, वो बताते कब कहाँ पे मीटअप होगा, बहुत सीक्रेट मीटअप होता है, वो भी नहीं पता। शुरू कर दिया बच्चों ने, देखो मेराज भाई ये कौन बच्चे। और मीटअप का कभी कभी ऐसा रहता कि ना 5 मिनट पहले 10 मिनट पहले मालूम पड़ता है। और शफीक भाई उस दिन अपने आधा एक घंटा पहले मालूम पड़ा था क्यों? बट मेरा ऐसा बोलना है, तू आया था फोन दोपहर में, वो वैसा मीटअप नहीं चाहिए। अगर मीटअप होना तो क्रिएटर्स मीटअप अगर होना तो कई प्लेस पर पहले से प्लान कर लोगों को पहले से इनवाइट कर बताना चाहिए, एटलीस्ट एक दिन या दो दिन पहले, तो उस हिसाब से लोग प्लान करके आते हैं। बराबर। और दो बार देखा मैंने, मैं तो एक ही बार आया, बट दो मीटअप्स में आप लोग गए थे शायद, मेरे को जितना मालूम है। जो ग्रुप है वो मीटअप नहीं हो रहा, वो एक ग्रुप जा रहा बस, वैसा लग रहा। हाँ तो वैसा नहीं होना चाहिए, बाहर के भी लोगों को इनवाइट करो, लोगों को बुलाओ, तुम जिस लोगों को जितने छोटे बड़े सब, उतना ही ग्रुप में से बाहर निकल के एक्सप्लोर करना जरूरी है। और भी लोग है, अगले मीटअप में ऐसा होगा, अगले मीटअप में मैंने आमिर भाई से बात करा बहुत सारे उनको बोला रमजान से पहले को बोलना। व्हाट्सएप अपन एक ग्रुप बनाएंगे इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप पे, औरंगाबाद क्रिएटर्स बोल के, औरंगाबाद क्रिएटर था मगर अब भी मैंने नाम बता दिया, औरंगाबाद क्रिएटर्स। जिसको आने का है तो ये नाम पे आना है, तो आओ नहीं तो बाहर रहो। हां तो औरंगाबाद क्रिएटर्स भाई बेस्ट प्लेस है मीटअप के लिए। मौलाना आजाद रिसर्च सेंटर बेस्ट प्लेस है, यस मौलाना आजाद रिसर्च सेंटर भी है। और मैंने अभी परसों के दिन में एक गार्डन में गया था, रोज गार्डन मौलाना आजाद रिसर्च सेंटर के बाजू में, तो वो भी अच्छा है। वहाँ पता है, पता रोज के बाजू में ही है, अनवांटेड लोग नहीं रहते ज्यादा, वो भी अच्छी जगह है। या तो कोई कैफे में करेंगे अपन, बट कैसा है कि एक पहले क्या बोलेंगे उसको, ग्रुप बनना जरूरी है, जो एक स्टेम बनना जरूरी है। बस सर बोल रहा मेरे को भी ऐड करो, 14 घंटे लगा रही है ऐड करने का भैया, तुमको कर देंगे ऐड भैया, बोलो भाई। अगर कोई आप
के काम की रिस्पेक्ट नहीं कर रहा और आपसे आर्ग्यूमेंट करता और आपको उससे करने अपोज करता, तो वो लोगों को कैसा आप फेस करते? हम इग्नोर करते, हमारा कोई लेना देना नहीं करते, पूछते भी नहीं। प्राइवेट अकाउंट के कमेंट से शायद, ये प्राइवेट अकाउंट के कमेंट से शायद। सलामी साकिब सलामी ने नहीं, साकिब क्या क्या सलामी ने कमेंट किया, तो ये हम ऐसे लोगों को बिल्कुल इग्नोर करते, सोचते भी नहीं, हमारे पास टाइम ही नहीं है सब चीजों के लिए। कोई अपोज करो, कोई हेट करो, कोई आज जो अपोज कर रहे हैं, आज जो हेट कर रहे हैं, बाद में कल आके है ना वही सर ठोकते और है ना, सर हमारे को एक फोटो चाहिए आपके साथ, सर एक सिग्नेचर, एक सेल्फी। नहीं, ये 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 सब लोगों के टाइम ही नहीं है हमारे पास ये सब चीजों के लिए। हम इतना बोलेंगे कि भाई तुम लोग वीडियो देखते, तुम लोग लाइक करते, हमारे लिए बहुत है वो, दिल से शुक्रिया। बाकी ये लोगों के लिए कोई टाइम नहीं है हमारे पास, कोई एंटरटेन भी नहीं करते हम ऐसे लोगों को। कल का है अरबाज भाई, मेरा कोई ऐसा प्लान नहीं है, देखेंगे सुबह उठने के बाद कुछ प्लान बनता है। तुम लोगों का कुछ कुछ प्लान होगा तो बोलो। मीटअप के बारे में सोचते, मीटअप के बारे में, मीटअप मतलब क्या है, मीटअप नहीं एक ग्रुप बनाते, ग्रुप चाहिए, बट उसमें ऐसा है कि कुछ लोग हो ना जिसने जो जिम्मेदारी ले सके कि भाई सिर्फ जितने लोगों को लोग पहचानते हैं उनको नहीं, छोटे लोगों को, बड़े लोगों को, सबको। एक कांसेप्ट, और कांसेप्ट पे काम, सबसे पहली बात उसमें ना सिर्फ औरंगाबाद के लोग नहीं होना, उधर साइड के भी लोग, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा नहीं तो तुम उधर साइड कर दो। मैं बोल रहा था अपन एक कंसेप्ट करेंगे ना, अपन जितने भी क्रिएटर से सब मिलके अपन एक वीडियो बनाएंगे ना, जिसमें अपन सब खुद इंट्रोड्यूस करेंगे अपने आप को, जैसा बीच में तुमने लॉकडाउन में देखा कि पूरे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज। बराबर है, बट कैसा है कि कर सकते, बट उसमें कैसा है कि कुछ लोगों को टाइम नहीं मिलता और किसका कुछ छूट जाता, फिर उसमें क्या हो जाता है, उसमें थोड़ा सा ईगो और जेलसनेस आ जाती जब नहीं तो सबको बोलने का, उसमें कैसे बोलने का, सबको अपन अपने अपने वीडियो बना के हमको भेजो। आजकल औरंगाबाद में मतलब लोगों की इंटेंशन क्या हो गया, मैं इसीलिए ना ज्यादा लोगों के साथ कभी शूट करने नहीं जा रहा। मैं एक दो बार गया शूट करने, तो सपोज अगर अपन तीन लोग गए ना शूट करने, तो सामने वाले की एक्सपेक्टेशन हो जाती है कि भाई इसने कोलैब करना चाहिए साथ में मेरे। बट मेरा ये मानना है कि दोनों बनाओ, दोनों के बनाने का नजरिया अलग है, एडिटिंग करने का नजरिया अलग है, लोगों को देखने का नजरिया अलग है। ये फर्क नहीं पड़ता कि किसी और ने डाल दिया तो मैं वो डालूंगा तो चलेगा नहीं, या मैंने वो डाल दिया तो लोगों को पसंद नहीं आएगा। तुम्हारे दिखाने का क्या तरीका है, लोगों को पसंद आता नहीं आता, वो जरूरी है, तो उसको बोलते कॉम्पिटिशन। अब तुम जा रहे वही तुम रील एक कोलैब करके डाल दे रहे हो कॉम्पिटिशन में, कॉम्पिटिशन क्या कॉम्पिटिशन, बट कॉम्पिटिशन ऐसा नहीं होना चाहिए, अरे यार हमने साथ में बनाए थे उसके व्यूज ज्यादा चल गए मेरे नहीं गए, बाद में ये सब नहीं होना चाहिए। तो पहले ही उतनी अंडरस्टैंडिंग होना वो लोगों को भी कि यार ये सिर्फ एक अपने खुद को अपनी मतलब एबिलिटी मालूम करने के लिए कर रहे अपन, बस वो चीज बोल के करे तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो औरंगाबाद में ऐसा है ना कि केकड़े है सर, सही केकड़े नहीं मेंढक है, वही मेंढक यार, मिलके काम करना चाहिए ऐसा, सबने मिलके साथ में काम करना चाहिए, और ऐसा जेलेसी वाली चीज नहीं होना चाहिए कि मेरे फॉलोअर उसको चल लेंगे, ऐसा कुछ नहीं रहता। सबको ऑडियंस सबको अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू, सबका अलग पसंद करे तो मेरे फॉलोअर इसके फॉलोअर की बात नहीं है, बात है कि तुम्हारा काम कैसा है, तुम्हारा काम तो वही ना, मतलब देखो फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल अब अरबाजी तुम्हारा किसी के साथ तुमने समझो कोलैबोरेशन करना चाहे, तो सामने वाला क्या सोचेगा उनका, नहीं यार अरबाजी बहुत अच्छा वीडियो बनाता, फिर लोग मेरे वीडियो पसंद नहीं करेंगे, इसकी आईडी पे जाएंगे इसके पसंद। ये लोगों की ये सोच वीडियो कभी भी तुम्हारी, मैं ये मानता वीडियो कभी भी अच्छी और बुरी नहीं रहती, सबका वीडियो सबके लिए अच्छा है तभी वो पोस्ट कर रहा, दिखाने का नजरिया अलग है, वो देखने का नजरिया अलग है, तुम्हारे हिसाब से वो वीडियो लोगों की सोच हो जाती है। अगर कुछ लोग के लिए वो वीडियो बहुत अच्छी है तो तुम ये नहीं बोल सकते कि वीडियो खराब है या अच्छी नहीं बनी। क्या होता ना, लोग क्या सोचते हैं, मेरी ऑडियंस नहीं जाना किसी और के पास, ये लोगों की एक थ्योरी रहती है कि भाई इंट्रोडक्शन इंट्रोड्यूस नहीं करना चाहते अपनी आईडी पे, भाई मेरा भाई वो माजा पी लो कहते गरम हो रहा हो। मैंने तो ऐसे कुछ मैंने अरे मैं चकना खा रहा था उसके साथ में। वन ओपन सजेशंस फॉर मेराज भाई वीडियोस क्या लगता वो सजेशन नजर।
ये पे अपने कॉपीराइट है, मगर कॉपीराइट मार भी सकती। देखो ये जो तुमने नजदीरी की बात बोले ना, अगर एक एक पर्टिकुलर समझो बीबी का मकबरा है, अब चार लोग, हम लोग चार लोग जा रहे बीबी का मकबरा, मतलब चार लोग नहीं जा रहे, एक फुटेज, एक बंदा जाएगा, फुटेजेस लेकर आ जाओ और चार लोगों को दो, फिर वो एडिट कैसा करते हैं ना, वो नजरिया है, वो चीज भी है, नजरिया से एडिट करे। मैंने देखा कि लोग सेम बनाने का ट्राई करते, बट मैं ये सोचता कि इसने ये बनाया, मैं यही चीज था, इससे अलग कैसा बना सकता। तो इससे कैसा है, लोग भी देखते कि भाई इसने ऐसा बनाया इसने, बट तुम सेम बनेंगे ना तो उसमें ऐसा बोलेंगे, लोग तो बोलने को कुछ भी बोलते, अरे ये कॉपी करा, ये इसने करा, इसने डाल दिया ऑलरेडी पहले, ये हो गया, वो बोलने को कुछ भी बोलते, बट वो तुम्हारे ऊपर है कि तुमको अगर पता है कि भाई ये एंगल से ऐसा दिखता है, मैं इसको और क्रिएटिव क्या कर सकता, क्या कर सकते हैं, और तुम्हारा क्या बेस्ट दे सकते, वो जरूरी है, वो चले या ना चले, इंस्टाग्राम कहाँ पे होता अभी भी बहुत अच्छी रील को भी नहीं चलाता और बहुत खराब रील को भी चला देता, वो कहाँ पे दिखता, एडिटिंग में, एडिटिंग में तुम्हारे स्किल्स दिख के आते हैं, एडिटिंग एक फुटेज किस तरीके से एडिट करे, एडिटिंग मतलब क्या है कि टूल्स तो सबको मालूम है कि भाई इससे कट होता है, इससे ये होता है, एडिटिंग तुम्हारा विजन है बस, वो विजन कोई दूसरा चुरा नहीं सकता, कट कहां लगाना है, कोई बोल रहा है कौन सा यूज करना है, एडिटिंग तुम्हारा विजन है, वो कोई चुरा नहीं सकता, एडिटिंग तुम कैसा कर रहे, तुम कैसा पहले इमेजिन करके क्या मतलब तुम बना के बना रहे, देखो वही बोल रहा खत्म हुई क्या, चार लोगों को अगर डाल रहा हूँ इसको, ये हो गई बोल, देखो भाई ये मेरे लिए तो है नहीं, क्योंकि पहली बात तो ना मैंने ना एक वीडियो सिंगल स्टोरी तक नहीं डाला G20 की, लीव द टॉपिक, बच्चे खत्म हो रहा, बोलते रहते बच्चे, बच्चे बोलने काम भाई, मेरे को ये बात बहुत अच्छी लग रही कि भाई 23-24 जो लोग है ये लोग बहुत रिका में और अपने रिकाव में बात सुनने, वो एक घंटे से रिका में बात सुन रहे यहाँ पे, सैटरडे सैटरडे है ना, नहीं अब सैटरडे की नाइट है ना, सैटरडे खत्म हो गया, संडे शुरू हो गया भाई, सैटरडे नाइट कंसीडर करते हैं उसको, संडे शुरू भी होगा तो उसको सैटरडे नाइट ही बोलते, लेट नाइट की घर पे भी है रात का टाइम में और कुछ काम भी नहीं है, बात भी कर सकते हैं, तुम्हारे बोला ठीक है, बोलते क्या यार रोज इंस्टाग्राम के पांच फीचर्स यूज करना जरूरी है ना, कमेंट आया अपनी वीडियो में मजा ही अलग रहता, अपनी वीडियो में मजा ही अलग रहता, सही है बिल्कुल, बात तो है, शुक्रिया बाबू समझ गए, शुक्रिया बुजुर्ग भाई, भावना पहुंच गई भाई, अगर आप लोगों को गवर्नमेंट चार्ज करी तो, आप लोगों को गवर्नमेंट चार्ज करी तो सिटी को शूट करके डाले तो अर्निंग चालू हो गई, तो आप लोगों को गवर्नमेंट से तो ही है क्या करें, तो ही रहने वाला है, तो ही रहेगा वो, मेरे को नहीं लगता ये औरंगाबाद वाले पैसे देंगे, तो इसीलिए मैं सोचा भाई